नवंबर सोमवार का दिन अश्लेषा नक्षत्र में दिन की शुरुआत बुध के प्रभाव के साथ और चंद्रमा का उच्च होना और बुध का राशि परिवर्तन 6 नवंबर को शाम 4:25 पर आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ रहा है, क्योंकि बुध के राशि परिवर्तन से सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। बुध का प्रभाव जहां एक ओर आपके भाग्य का द्वार खोलेगा, वहीं दूसरी तरफ खूब लाभ मिलने वाला है। साथ ही बिगड़े काम भी आपके बनेंगे और आपके जीवन में अचानक धन की प्राप्ति होगी। आज मघा नक्षत्र 1:23 के बाद आपके लिए शुभ साबित होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में आज बुध केतु का प्रभाव है, राहु की छाया, मंगल और चंद्रमा की दृष्टि है। दिन भी 4 चरण में बृहस्पति, शनि, मंगल और शुक्र के प्रभाव से प्रभावित है, जिसके कारण आपके जीवन में व्यापार आपका अच्छा चलेगा। नौकरी में स्थिति आपकी मजबूत होगी और स्टूडेंट के जीवन में बड़ी सफलता का योग बनेगा। आज बुध के राशि परिवर्तन से बुध आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि बुध के प्रभाव से ही आपके जीवन में बड़े परिवर्तन का योग भी बनेगा। बुध का जो राशि परिवर्तन हुआ है, बुध के सुख भाव में शनि का गोचर है, बुध के पंचम भाव में राहु बैठा है और बुध के लाभ स्थान में शुक्र केतु का गोचर है। शनि, राहु और शुक्र बुध के मित्र ग्रह हैं। मित्र ग्रह का सुख स्थान, पंचम भाव और लाभ स्थान में गोचर करना निश्चित ही आपके जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा। आज बृहस्पति की स्थिति भी आपकी कुंडली में बेहतर है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि मंगल और सूर्य के प्रभावित कर रहा है, जबकि शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि है और चंद्रमा आज मंगल को प्रभावित कर रहा है। अगर आपकी कुंडली को देखें तो बुध की दशा में केतु की अंतर्दशा में आज का दिन आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा। तो चलिए जानते हैं विस्तार से आज का राशिफल। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमंते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। सोमवार का दिन 6 नवंबर कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि, चंद्रमा का अपने घर में गोचर करना और 1:23 के बाद चंद्रमा का सूर्य के प्रभाव से प्रभावित हो जाना शुक्ल योग है। 2:26 तक उसके बाद ब्रह्म योग, अश्लेषा नक्षत्र 1:23 तक बुध का प्रभाव, उसके बाद मघा नक्षत्र में केतु का प्रभाव आपको प्रभावित करेगा। बुध केतु का प्रभाव, राहु की छाया, मंगल और चंद्रमा की दृष्टि से आज बुध के प्रभाव से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी। शुभ काम में आ रही दिक्कतें दूर होगी, क्योंकि बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। बुध 4:25 पर राशि परिवर्तन करेंगे, जिसका बेहतर परिणाम आपके जीवन में देखने को मिलेगा। बुध के राशि परिवर्तन करने से आज का दिन खुशियों से परिपूर्ण होगा और आने वाला 20 दिन भी आपके लिए लाभकारी साबित होगा, क्योंकि बुध के राशि परिवर्तन करते ही बुध के सुख स्थान में शनि का गोचर रहेगा। बुध के पंचम भाव में राहु का गोचर रहेगा, बुध के लाभ स्थान में शुक्र का गोचर होगा, यानी बुध के जो मित्र हैं बुध को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएंगे, जिससे आपके जीवन में बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी का योग बनेगा। काफ़ी दिनों से रुका हुआ काम अब आपका पूरा हो जाएगा।
समय आपका अनुकूल रहने वाला है। आपके लिए तरक्की, लाभ, धन, सौभाग्य का सुंदर योग बन रहा है, जिसके कारण आने वाला समय आपके लिए बड़ा लाभ देने वाला साबित होगा। जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन भी आप देखने को और आपके जीवन में कोई बड़ा घटना भी देखने को मिलेगा, जिसका आपके जीवन पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन में धन बढ़ेगा और नए काम की शुरुआत होने जा रही है। यानी सारी चिंताओं को छोड़कर आप जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचें, अच्छी प्लानिंग के साथ अपने काम को करते जाएं, क्योंकि आपकी सारी इच्छा पूरी होने वाली है और काफ़ी हद तक आप सफल भी हो जाएंगे। अपने मेहनत के दम पर बड़ी कामयाबी, सफलता भी पा लेंगे और उम्मीद से ज़्यादा लाभ भी होगा और भाग्य आपको बड़ा सुख देगा, कोई गुड न्यूज़ भी मिलेगा। यानी दिन आपके लिए खुशी सुखे सौभाग्य लेकर आया है। आज केतु की स्थिति शुक्र के साथ थे। केतु जब शुक्र के साथ गोचर करता है तो खुशियां आपके जीवन में बढ़ने लगती है। अचानक आपके जीवन में कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो आपके लिए लाभकारी साबित होता है। घर का माहौल अच्छा होता है, नौकरी व्यापार में माहौल बहुत सुंदर होता है। अच्छे परिणाम मिलने से, मेहनत का फल मिलने से आपके भी मन में खुशी होती है। जीवन में जब तरक्की होती है तो जीवन शानदार बन जाता है। सफलता और खुशहाली आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आते हैं। संपत्ति भी आपकी बढ़ती है, परिवार का साथ मिलता है तो मन में प्रसन्नता और जीवन में इच्छा पूरा करना, साथ ही साथ बच्चों की तरक्की भी देखने को प्राप्त होगा। आज का दिन बेहतर दिन है, लाभकारी दिन है, भाग्यशाली योग है। यानी आपके जीवन में हर प्रकार का सुख है, लाभ, धन और सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है। बृहस्पति, शनि, मंगल, शुक्र चार चरण में दिन आपको उत्साहित करेगा। सबसे ज़्यादा लाभ तो शनि और शुक्र यानी द्वितीय और चतुर्थ चरण में आपको प्राप्त होगा। मंगल का सूर्य के साथ गोचर करना बेहतर स्थिति है और बृहस्पति की दृष्टि से मंगल का मजबूत होना और भी ज़्यादा आपके लिए गुड लक बनाएगा। आज राहु काल 7:58 से 9:20 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, पूरब दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लक्की कलर ग्रीन होगा, लक्की नंबर 5 होगा। तो आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली दिन है, सौभाग्यशाली योग है। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।